आप सभी बच्चों, आज हम एनसीईआरटी साइंस क्लास 6 का चैप्टर 5 सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस मतलब पदार्थों का पृथक्करण उसके बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, पिछले भाग में हमने सेपरेशन के पर्पस मतलब सेपरेशन के क्या उद्देश्य होते हैं वो और सेपरेशन के कुछ मेथड डिस्कस किए थे। आपको याद है कि सेपरेशन के क्या क्या पर्पस थे? वेरी गुड। सेपरेशन के मेजरली 3 पर्पस होते हैं। पहला, टू रिमूव नॉन यूजफुल कॉम्पोनेंट्स। सेकेंड, टू रिमूव हार्मफुल कॉम्पोनेंट्स। और थर्ड, टू गेट टू डिफरेंट बट यूजफुल कॉम्पोनेंट्स। मतलब कि या तो हम उससे हानिकारक पदार्थों को अलग कर सकते हैं, या जो चीज अनावश्यक होती है उसे अलग करते हैं, या फिर दो जो आवश्यक वस्तुएं होती है उन्हें हम अलग अलग प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही हमने कुछ मेथड्स के बारे में भी पढ़ा था, जैसे कि हैंड पिकिंग, विनोइंग, सीविंग, थ्रेशिंग, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्टरेशन। बच्चों, हैंड पिकिंग मतलब कि हस्त चयन, जिसमें कि जो भी थोड़ी बड़े आकार की अशुद्धि होती है उन्हें हमने हाथ से अलग किया था। उसके बाद थ्रेशिंग, थ्रेशिंग में अनाज के जो बंडल होते हैं यानी कि वीट बंडल्स, उनको जमीन पे पीट करके हमने सीड्स मतलब ग्रेन्स और बंडल्स को अलग अलग किया था। उसके बाद हमने पढ़ा विनोइंग मतलब कि निष्पावन, जिसमें हमने हस्क और ग्रेन्स को सेपरेट किया। किसकी हेल्प से? सूप की हेल्प से। जब उसे ऊपर से नीचे गिराया जाता है तो विंड यानी कि बहती हुई हवा के साथ जो लाइटर पार्टिकल्स होते हैं वो उड़ जाते हैं और हैवियर पार्टिकल्स नीचे प्लेटफॉर्म पर आ जाते हैं। फिर बच्चों, उसके बाद हमने पढ़ा सीविंग मतलब कि चालन के द्वारा। चालन में हम एक सीव यानी कि छलनी का इस्तेमाल करते हुए पदार्थों को पृथक करते हैं, जैसे कि चाय में से चाय पत्ती को अलग करना। उसके बाद बच्चों, जब हमारे पास ऐसी इम्प्योरिटी हो जो पानी में डिसॉल्व नहीं हो सके मतलब जो पानी में नहीं घुलता हो, हमने उसे सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन और फिल्टरेशन से अलग किया। जैसे कि मिट्टी को हमने पहले मिट्टी को पानी में घोला जिससे वो सेडिमेंट यानी कि अवसादित हो गई। उसके बाद हमने उसे डिकेंट कर दिया, जिसमें हमने बीकर को थोड़ा सा टिल्ट करके पानी को एक दूसरे बीकर में और मिट्टी को एक दूसरे बीकर में प्राप्त किया। और एंड में हमने फिल्टर पेपर की हेल्प से जो बाकी बची हुई मिट्टी थी उसे भी अलग कर दिया। तो बच्चों, इस मेथड में जो इम्प्योरिटी थी वो पानी में डिसॉल्व नहीं हुई थी। पर अगर हमारे पास कोई ऐसी इम्प्योरिटी हो जो पानी में डिसॉल्व हो जाए, तो उसके लिए हमें एक नया मेथड यूज़ करना होता है। उसी मेथड को हम कहते हैं इवेपोरेशन या वाष्पन। तो बच्चों, आज हम इसी इवेपोरेशन को यहाँ डिस्कस करेंगे। बच्चों, ये हमारा वाटर साइकिल है जिसमें 4 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। पहला, कलेक्शन। सेकंड, इवेपोरेशन या वाष्पीकरण। तीसरा, कंडेंसेशन या संघनन। और चौथा, प्रेसिपिटेशन। अच्छा, चलिए इन्हें थोड़ा थोड़ा और पढ़ते हैं। पहला स्टेप है कलेक्शन मतलब पानी का एकत्रण। आप लोगों ने नदी में, तालाबों में या समुन्द्र में पानी को देखा होगा, वहाँ पानी इकट्ठा रहता है ना, तो इसी को कहा जाता है पानी का कलेक्शन या एकत्रण होना। पर कभी आपने ऑब्जर्व किया है कि नदियों का पानी धीरे धीरे कम हो जाता है? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो पानी होता है वो भाप बनकर उड़ जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? इवेपोरेशन या वाष्पीकरण। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो सूरज होता है, सूरज में हीट होती है, तो सन हीट के कारण जो पानी होता है वो वाष्प बनकर उड़ जाता है और इसे हम इवेपोरेशन कहते हैं। अब पानी भाप बनकर तो उड़ गया, मतलब कि इवेपोरेशन का मतलब क्या हुआ? वाटर का वेपर में कन्वर्ट होना, यानी लिक्विड फेज का गैशियस फेज में कन्वर्ट होना। अभी गैशियस फेज या वाटर वेपर ऊपर हवा में पहुंच जाती है, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद होता है थर्ड प्रोसेस, जिसे कहते हैं कंडेंसेशन
या संघनन। संघनन के अंदर जो वाटर वेपर या जो पानी की वाष्प हवा में प्रेजेंट होती है वो अगेन लिक्विड फेज मतलब कि पानी में कन्वर्ट हो जाती है, इसे हम क्या कहते हैं, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का एक बेस्ट एग्जाम्पल आप अपने घर में भी देख सकते हैं। कभी अपने घर में फ्रीज में से बहुत ठंडे पानी की बॉटल निकाली है, उस ठंडे पानी की बॉटल को जब हम बाहर कुछ देर के लिए रख देते हैं तो उसमें पानी की छोटी छोटी बूंदें इकट्ठी हो जाती है। उन छोटी छोटी बूंदों का बनना भी कंडेंसेशन का ही कारण होता है। अच्छा, कंडेंसेशन हो गया, कंडेंसेशन से पानी जो था मतलब वाटर की जो वेपर थी वो अगेन वाटर फेज में कन्वर्ट हो गई। ये जो पानी जो वेपर से पुनः लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो वो पानी ऊपर बादल का रूप ले लेता है, और जब ये बादल बहुत भारी हो जाते हैं तो ये अपना वजन संभाल नहीं पाते और क्या होती है, बारिश होती है। इसी बारिश को हम क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेशन मतलब कि बारिश हो जाना। बारिश में जो पानी इवेपोरेट होकर वेपर में कन्वर्ट हुआ था वो पुनः लिक्विड में कन्वर्ट होकर पुनः हमारी धरती पर आ जाता है। इस तरह वाटर बैलेंस्ड बना रहता है। तो बच्चों, वो केवल साइकिल के फॉर्म में चलता रहता है जिसे हम वाटर साइकिल कहते हैं, और उसी का एक मेजर स्टेप क्या था, इवेपोरेशन था। पर बच्चों, आपको पता है आजकल का पानी प्योर नहीं बचा है, हम लोगों की इतनी सारी गतिविधियों के कारण प्रदूषण बढ़ गया है और सबसे मेजर जल प्रदूषण बढ़ गया है। तो आपको क्या करना है, आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना जिसके कारण पॉल्यूशन फैले। हमें थोड़ा बहुत सुधार करना पड़ेगा ताकि हम इस जल को बचा सके और ये वाटर साइकिल कंटिन्यू कर सके। चलिए अपने वापस अपने इवेपोरेशन पर आते हैं। तो हमने इवेपोरेशन में देखा पानी का भाप में बदलना। अच्छा, इसका कुछ एग्जाम्पल आप सोच सकते हैं? नहीं, चलिए मैं बताती हूँ। अगर मैं आपको एक ग्लास में पानी दूँ और उसमें नमक घोलने को कहूँ, ठीक है, आप उसे घोल लेंगे, पर अगर मैं आपको फिर से कहती हूँ कि वो नमक मुझे दे दीजिए तो आप वो नमक कैसे देंगे? इसके लिए हम इवेपोरेशन का यूज करते हैं। इवेपोरेशन में जब पानी को गर्म किया जाता है तो पानी मतलब कि लिक्विड वेपर में यानी कि वाटर वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है और क्या बचता है हमारे पास, सिर्फ नमक बच जाता है। इवेपोरेशन का यूज हम वाटर में डिजॉल्व इम्प्योरिटीज या वाटर में ऐसा कुछ पार्टिकल जो कि हमें चाहिए हो उसे सेपरेट करने के लिए कर सकते हैं। तो बच्चों, मैं आपको इवेपोरेशन का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल बताती हूँ, इसके लिए आप ये इमेज देखिए एक बार। तो बच्चों, ये इमेज समुन्द्र के किनारे बना हुआ शैलो पिट का है। आपको पता है शैलो पिट क्या होता है? तो बच्चों, आप लोग जानते होंगे कि समुन्द्र का पानी खारा है क्योंकि उसमें बहुत सारे सॉल्ट्स, मिनरल्स, आयंस, बहुत कुछ प्रेजेंट होता है। और जो सॉल्ट हम कंज्यूम करते हैं उसका मेन सोर्स क्या है, समुन्द्र। समुन्द्र से ही तो हमें नमक मिलता है। तो बच्चों, ये छोटे छोटे पिट्स या खड्डे जैसी संरचना बनाई जाती है जिसमें कि समुन्द्र का पानी इकट्ठा कर दिया जाता है और सूरज की गर्मी से वो पानी इवेपोरेट हो जाता है और लास्ट में सिर्फ नमक रह जाता है, और यही नमक प्योर करके हमारे घरों में भेजा जाता है। आपको पता है ये जो नमक हमें इस प्रोसेस से मिलता है वो हम डायरेक्टली कंज्यूम नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें और भी बहुत सारी इम्प्योरिटीज मिली हुई होती है, तो बाद में उस नमक को प्योरीफाई किया जाता है बहुत सारे डिफरेंट प्रोसेस से, और बाद में फिर उस नमक को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखा आपने, इवेपोरेशन हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट प्रोसेस है जिसकी सहायता से हमें नमक मिलता है। बच्चों, अब इस मेथड को हम एक सरल भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। वाष्पन, इवेपोरेशन, वह प्रक्रिया जिसमें द्रव को गर्म करके वाष्प में परिवर्तित किया जाता है वाष्पन कहलाती है। इवेपोरेशन इज द प्रोसेस बाय विच अ लिक्विड स्टेट टर्न्स इनटू अ गैशियस स्टेट ऑन हीटिंग। तो बच्चों, अभी तक हमने देखा कि कैसे हम पानी में घुली हुई मिट्टी और पानी में डिजॉल्व हुए सॉल्ट को अलग करते हैं इवेपोरेशन से या फिर सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन और फिल्टरेशन से। पर अगर मैं ये दोनों कंपोनेंट मतलब कि सॉल्ट और सैंड को आपस में मिला दूं
तो उसे कैसे अलग करेंगे? तो बच्चों चलिए इसके लिए हम ये एक्सपेरिमेंट देखते हैं। तो बच्चों सॉल्ट और सॉइल को सेपरेट करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी पहले सॉल्ट सैंपल की, सॉइल सैंपल, बीकर जो कि एम्प्टी है, थोड़ा सा पानी, स्पैचुला, ग्लास स्टेरर, केरोसिन बर्नर और ट्राईपॉड स्टैंड। साथ ही हमें ज़रूरत होगी मैच बॉक्स की। तो बच्चों सबसे पहले हम एम्प्टी बीकर में थोड़ा सा सॉल्ट डालेंगे। सॉल्ट उसमें हम ऐड करेंगे सॉइल सैंपल को। अब बच्चों ये एक मिक्सचर रेडी हो गया है, इसे हम अच्छे से स्टेयर करेंगे। बच्चों अब हमें इस मिक्सचर को एक ऐसे सॉल्वेंट में डिसॉल्व करना होगा जिसमें एक कंपोनेंट सॉल्युबल हो और दूसरा नहीं हो। तो ऐसा सॉल्वेंट पानी है जिसमें सॉइल डिसॉल्व नहीं होती, वेयर एज सॉल्ट डिसॉल्व हो जाता है। तो हम इसमें धीरे धीरे पानी को पोर करेंगे। पानी डालने के बाद इस मिक्सचर को हम अच्छे से स्टेयर करेंगे। तो बच्चों आप देखेंगे कि जो सॉल्ट है वो पानी में डिसॉल्व हो जाता है। अब इस मिक्सचर को कुछ टाइम के लिए हम रहने देंगे ताकि मिट्टी सेटल डाउन हो पाए। बच्चों अब आप देखेंगे कि सॉइल सेटल डाउन हो चुकी है, तो उसे हम डिकेंट कर देंगे। डिकेंटेशन में सॉइल उसी बीकर में रह जाएगा और पानी अलग हो जाएगा। बच्चों अब इस सैंपल में हमारे पास सॉइल नहीं रहती है, बच जाता है सॉल्ट और पानी, और दूसरे बीकर में हमें मिल जाती है सॉइल सैंपल। अब इस सॉल्यूशन को हमें पानी और सॉल्ट को सेपरेट करना है, तो हम केरोसिन बर्नर लेंगे और इसे मैच स्टिक से जलाएंगे। अब इस बर्नर को हम ट्राइपॉड स्टैंड के नीचे रख देंगे। तो बच्चों अब इस सॉल्यूशन को हम ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर रखेंगे ताकि पानी इवेपोरेट हो सके। कुछ टाइम गर्म होने के बाद हम देखेंगे कि सारा पानी इवेपोरेट हो गया है और सॉल्ट उसी बीकर में रह जाता है। तो बच्चों अभी आपने देखा कि हम कैसे सॉल्ट और सैंड जो आपस में मिले हुए हैं उन्हें सेपरेट करते हैं। बट बच्चों इस मेथड में जब हमने सेपरेट किया तो उसके बाद पानी इवेपोरेट हो जाता है और वो पानी हमें वापस नहीं मिलता। तो क्या कोई ऐसा मेथड है जिससे हमें पानी भी वापस मिल जाए? तो बच्चों इसके लिए आप ये चित्र देखिए। बच्चों इसके लिए हमें आवश्यकता होगी एक कैटल मतलब केतली, एक मेटैलिक प्लेट जिसके ऊपर कुछ आइस क्यूब्स रखी हुई है और साथ ही एक बीकर की। तो बच्चों सबसे पहले हम नमक और उस पानी के सॉल्यूशन मतलब विलयन को इस कैटल में डाल देते हैं और फिर हम उसे धीरे धीरे गर्म करेंगे। गर्म करने से पानी इवेपोरेट हो जाता है मतलब कि पानी वाष्प में परिवर्तित हो जाता है और पानी की वो भाप इस कैटल की नलिका से बाहर आता है। नलिका से बाहर आया हुआ भाप इस मेटैलिक प्लेट से टकराता है। अब बच्चों आप जानते हैं ना कि कंडेंसेशन प्रोसेस में पानी की भाप मतलब कि वाटर वेपर लिक्विड फेज में कन्वर्ट हो जाता है, तो यहाँ पर भी
पानी की भाप जो इस केटल से निकलती है वो मेटल की प्लेट से टकरा कर कंडेंस हो जाती है और कंडेंस होकर वो द्रवीकृत यानी कि लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। और उसी लिक्विड को मतलब उसी पानी को हम इस बीकर में इकट्ठा कर लेते हैं। तो बच्चों हमें केटल में नमक और बीकर में पानी मिल जाता है। तो बच्चों अभी आपने देखा कि हम कैसे सॉल्ट और सैंड जो आपस में मिले हुए थे उन्हें अलग करते हैं। पर बच्चों आपको पता है आपके ही जैसी एक छोटी सी बच्ची भी ये एक्सपेरिमेंट घर पे करने का ट्राई करती है पर उसने बहुत सारा नमक डाल दिया। अब इवेपोरेशन के बाद में जो नमक उसे मिला वो बहुत थोड़ा सा था। आपको पता है ऐसा क्यों हुआ? चलिए इसके लिए हम एक एक्टिविटी करके देखते हैं। आइए तो बच्चों इसके लिए हमें चाहिए एक खाली बीकर, एक मेजरिंग सिलेंडर और थोड़ा सा नमक। तो पहले हम थोड़ा सा पानी इस मेजरिंग सिलेंडर में डालते हैं। बच्चों इस मेजरिंग सिलेंडर से 5 ml पानी को मैं इस छोटे बीकर में डाल देती हूँ। अब स्पैचुला, इस स्पैचुला की हेल्प से मैं इसमें नमक डालूंगी और ये मेरे पास ग्लास स्टेरर, इससे मैं इसे स्टेर करती रहूंगी। बच्चों ये पूरा नमक इसमें डिसॉल्व हो जाता है। अब मैं स्पैचुला की हेल्प से थोड़ा और नमक डालूंगी। इसे फिर से स्टेयर करेंगे। बच्चों आप देखेंगे कि ये पूरा नमक डिसॉल्व नहीं होता है बल्कि थोड़ा सा नमक सेटल डाउन हो जाता है। आपको पता है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सॉल्यूशन में एक निश्चित क्वांटिटी यानी कि एक निर्धारित सीमा तक ही विलय मतलब कि सॉल्यूट डिसॉल्व हो पाता है। उसके बाद में वो डिसॉल्व नहीं होता बल्कि सेडिमेंट होने लग जाता है या नीचे सेटल डाउन होने लग जाता है। सॉल्यूशन में सॉल्वेंट यानी कि विलायक की वह सीमा जिसके बाद उसमें सॉल्यूट यानी कि विलय डिसॉल्व नहीं होता वो उसका सैचुरेशन यानी कि संतृप्त सॉल्यूशन कहलाता है। संतृप्त विलयन एक ऐसा विलयन होता है जिसमें कि सॉल्यूट यानी विलय और अधिक डिसॉल्व नहीं हो पाता है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज अ सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड। तो बच्चों जब हम पानी में नमक घोल रहे थे तो एक निर्धारित सीमा तक नमक उसमें डिसॉल्व होता रहता है पर उसके बाद में वो सैचुरेटेड हो जाता है और उससे ज़्यादा नमक यानी कि सॉल्यूट उसमें डिसॉल्व नहीं होता बल्कि नीचे सेटल डाउन हो जाता है। तो बच्चों आप समझे कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन अर्थात संतृप्त विलयन क्या होता है? अब आप समझ पाए कि वो छोटी सी बच्ची जिसने बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नमक डाल दिया था उसे नमक कम क्यों मिला? क्योंकि उसने जो नमक डाला था वो कुछ ही नमक उस पानी में डिसॉल्व हो पाया और बाकी नमक नीचे सेटल डाउन हो जाता है जो कि सॉइल के साथ में मिल जाता है और वो सॉल्ट जो कि सॉइल के साथ मिल गया है वो डिकेंटेशन के टाइम ही अलग हो जाता है और इवेपोरेशन तक नहीं पहुंच पाता। इसीलिए उस बच्ची को जो नमक मिला
वो क्वांटिटी में कम था। तो बच्चों, हमने जो सैचुरेशन के बारे में पढ़ा, आपको पता है कि अगर हम इस सॉल्यूशन को गर्म करते हैं तो हम उसका सैचुरेशन लेवल बढ़ा सकते हैं। मतलब अगर इस पानी को मैं गर्म करती हूँ तो मैं इसमें थोड़ा और नमक घोल सकती हूँ। अब बच्चों, आपको क्या लगता है कि सारे विलय, मतलब सारे सॉल्यूट, क्या सेम लेवल पर सैचुरेशन दिखाते हैं या अलग अलग दिखाते हैं? चलिए इसके लिए ये एक्टिविटी देखते हैं। बच्चों, हमें चाहिए टेस्ट ट्यूब्स, सॉल्ट मतलब नमक, शुगर मतलब चीनी, स्पैचुला, ड्रॉपर, टेस्ट ट्यूब होल्डर और थोड़ा सा पानी। तो बच्चों, हम दो टेस्ट ट्यूब में सेम क्वांटिटी में पानी डालेंगे। फर्स्ट टेस्ट ट्यूब को लेंगे, उसे फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में ड्रॉपर की हेल्प से 1 ml पानी डालेंगे। अब दूसरे टेस्ट ट्यूब में भी सेम क्वांटिटी में ही पानी डालेंगे। बच्चों, अब फर्स्ट टेस्ट ट्यूब को हम टेस्ट ट्यूब होल्डर की सहायता से फिक्स करेंगे। अब इस टेस्ट ट्यूब में स्पैचुला की हेल्प से नमक डालेंगे, पहले 1 चम्मच और फिर थोड़ा और नमक। अब इसे अच्छे से स्टेयर करेंगे। तो बच्चों, आप देखेंगे कि नमक पानी में डिसॉल्व हो जाता है, तो हम इसमें थोड़ा और नमक ऐड कर सकते हैं, इसीलिए हम 1 स्पैचुला और नमक डालेंगे। बच्चों, आप देखेंगे कि अब थोड़ा सा नमक नीचे डिपॉजिट होने लगा है, तो हम थोड़ा और सॉल्ट ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से स्टेयर करेंगे। तो बच्चों, आपने देखा कि अब ये सॉल्ट डिसॉल्व नहीं हो पा रहा है, मतलब ये सैचुरेटेड हो चुका है। अब हम दूसरी टेस्ट ट्यूब लेंगे जिसमें सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर हमने लिया था। अब उसे टेस्ट ट्यूब होल्डर में फिक्स करेंगे। और इस टेस्ट ट्यूब में स्पैचुला की हेल्प से अब हम शुगर ऐड करेंगे। अब इस शुगर को अच्छी तरह से स्टर करेंगे ताकि शुगर पानी में डिसॉल्व हो जाए। तो बच्चों, आप देखेंगे कि हमने 2 बार स्पैचुला से शुगर डाला और शुगर डिसॉल्व होना बंद हो गया है, मतलब कि सॉल्यूशन सैचुरेटेड हो चुका है। तो बच्चों, इस तरह हमने नमक और शुगर को पानी में डिसॉल्व किया। तो बच्चों, आपने देखा कि जब हम सेम अमाउंट में वाटर लेते हैं, उसमें नमक और शुगर दोनों अलग अलग क्वांटिटी में डिसॉल्व होते हैं। पहली टेस्ट ट्यूब में सेम क्वांटिटी में पानी था, बट उसमें नमक ज़्यादा डिसॉल्व होता है, बट शुगर उसके कंपैरिजन में थोड़ी सी कम क्वांटिटी में होती है। तो बच्चों, सेम सॉल्वेंट में अलग अलग सॉल्यूट अलग अलग क्वांटिटी में डिसॉल्व हो पाते हैं। तो बच्चों, इस चैप्टर में हमने क्या क्या सीखा? इस चैप्टर में हमने सेपरेशन के पर्पस देखे, फिर हमने सेपरेशन के डिफरेंट मेथड्स जैसे कि हैंड पिकिंग, विनोइंग, थ्रेशिंग, सीविंग, फिल्ट्रेशन, डिकेंटेशन, सेडिमेंटेशन, इवेपोरेशन आदि सब देखे। उसके बाद में हमने सॉल्वेंट की सैचुरेशन के बारे में पढ़ा और सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होते हैं वो जाना। तो बच्चों, आज हमने सेपरेशन का एक नया मेथड इवेपोरेशन मतलब वाष्पन के बारे में पढ़ा।
और हमने ये देखा कि कैसे इवेपोरेशन वाटर साइकिल का एक मेजर पार्ट है। साथ ही हमने समुंदर से नमक कैसे मिलता है वो भी जाना। उसके बाद में हमने सॉल्ट और सैंड, मतलब नमक और मिट्टी जो आपस में मिली हुई थी, उसको अलग करने के बारे में भी देखा। फिर हमने पढ़ा सैचुरेशन के बारे में, मतलब संतृप्त विलयन, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें और ज़्यादा क्वांटिटी में सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं हो पाए, मतलब एक ऐसा विलयन जिसमें उससे अधिक मात्रा में विलय और ज़्यादा नहीं घुल पाता है। उसके बाद हमने ये देखा कि पानी में, यानी कि एक विलायक में, विलय की घुलनशीलता अलग अलग हो सकती है। जैसे कि सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर में नमक और चीनी अलग अलग मात्रा में घुलता है, जैसे नमक चीनी की अपेक्षा ज़्यादा घुल जाता है। तो बच्चों, इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर एंड होता है। थैंक यू।